ये बात तो है, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। और अगर बात की जाए तो उसके करंट एग्जाम्पल की, तो वो है आसिम रियाज। कौन जानता था आसिम रियाज को जब बिग बॉस के घर में वो उस तरीके से आया था। आसिम रियाज बिग बॉस के घर में जिस तरीके से आया था और जिस तरीके से वो बाहर निकला, एक ड्रास्टिक चेंज हमें नजर आया। ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, आसिम रियाज के 5 ऐसे बड़े अचीवमेंट जो कि बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद आसिम ने किए हैं, अपने फैंस को प्राउड फील करवाया है, और ये छोटे शहर वालों को एक सपना देखने और सपनों को पूरा करने का हौसला देने की एक बड़ी उन्होंने कोशिश की है। तो आइए इस वीडियो में विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम लेट्स बिगिन। मैं राहुल बोध स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे मौजूद हूं तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। आसिम रियाज और आसिम रियाज के 5 बड़े अचीवमेंट। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, तो आसिम रियाज ने जो है न सिर्फ 1-2 बल्कि मल्टीपल म्यूजिक वीडियोज में काम किया है, जिसकी वजह से आसिम रियाज की जनता बहुत ज्यादा, जो फैन बेस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। आसिम रियाज ने दोस्तों हिमांशी खुराना के साथ 4-5 सॉन्ग कर लिए हैं। आसिम रियाज ने जैकलिन फर्नांडिस के साथ काम कर लिया। आसिम रियाज ने दोस्तों बड़े बड़े म्यूजिक लेबल्स के साथ काम किया, और ऐसे में आसिम रियाज बहुत आगे बढ़ रहा है म्यूजिक वीडियोस। दूसरा सबसे बड़ा अचीवमेंट दोस्तों, अगर बात करें तो डीजे स्नेक के साथ कोलैबोरेशन। बता दूं आपको तो आसिम रियाज पार्टी करते हुए नजर आए थे डीजे स्नेक के साथ, और ये बातें आई थी मीडिया में कि दोनों सॉन्ग जल्दी करने वाले हैं इंटरनेशनल लेवल। डीजे स्नेक बहुत बड़े हैं अगर आपको पता होगा तो ऐसे में आसिम रियाज उनके साथ कोलैबोरेट करने वाले थे, अच्छा खासा काम करने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली आसिम नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक और ये जिस तरीके की सिचुएशन हो गई, लॉकडाउन ये वो फलान टिमकाना, जिसकी वजह से आसिम रह गए। तीसरी बड़ी अचीवमेंट, मुंबई में अपना घर लेना, वो भी बीच साइड, इट्स सच अ ह्यूज थिंग। आसिम रियाज ने एक लैविश अपार्टमेंट लिया है मुंबई में, और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, तो ये जो अपार्टमेंट है उसका, ये सी साइड है, समुद्र के किनारे में है, और ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी व्यक्ति के लिए जो कि मुंबई में जाता है विदाउट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट, विदाउट एनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, और प्लस इंडस्ट्री में आपका कोई जानने वाला नहीं, लेकिन आप फिर भी काम कर रहे हैं, बैक टू बैक अच्छा काम कर रहे हैं, और उसकी वजह से आपको इतना मिल रहा है नाम, अपने नाम। आसिम रियाज ने 28 ईयर ओल्ड है वो, और आपको बताना चाहता हूं उसने BMW की स्पोर्ट्स कार खरीद ली है जो कि दिल्ली से उसने ली है, और वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड एडिशन है, वो आसिम की ड्रीम कार है, ये आसिम का कहना है। वहीं उसके साथ दोस्तों आसिम रियाज ने जो है सलमान खान के साथ भी जो है, आपको बता दूं ये बहुत बड़ा र्यूमर आया था जिसपे आसिम ने भी कहा था कि अगर ये सच है तो बहुत जल्दी ये बातें सामने आ जाएंगी, जो कि था कभी ईद कभी दिवाली में एक बहुत अच्छा रोल पाना। और लास्ट जो अचीवमेंट जो पाई है, उसने फैंस का प्यार, ढेर सारा प्यार मिला है आसिम को, ब्रांड एंडोर्समेंट्स मिले हैं आसिम को बैक टू बैक, और मतलब अगर बात करी जाए तो आसिम रियाज सेलिब्रिटी गेस्ट बन गया है। वहां रिबन काटने या फिर कोई मॉल के इनॉग्रेशन के लिए आसिम रियाज जाता है। सो दोस्तों आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज। चलता हूं।